प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट में शिवसेना यूबीटी ने वर्सोवा से हरुण खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया है। गोपाल राय ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों से आने वाले दिनों में अधिकतम प्रयास करने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य सर्दियों की शुरुआत से पहले प्रदूषण के स्तर को कम करना है, जब हवा की गुणवत्ता आमतौर पर स्थिर हवा और ठंडे तापमान के कारण खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए अगले दिन 15 दिन अधिक महत्वपूर्ण होगा। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान धान खरीद में देरी, पराली जलाने पर कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। बठिंडा, मोगा, बटाला और गुरदासपुर सहित कई जिलों में चक्का जाम किया गया है। किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें बर्बाद करना चाहती है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर किसानों ने कई तर्क भी दिए हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं और वहां उन्हें कोई काम नहीं करना है। वो काफी समय से कांग्रेस पार्टी में रहे थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि असम में क्या हालात हैं, वहां लोग कितने परेशान हैं। हिमंत बिस्वा सरमा वहां तो लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाषण देने के मामले में उनका मुकाबला मुख्यमंत्री योगी से है। हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने में लगे रहते हैं। सबसे पहले हिमंत बिस्वा सरमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें हरियाणा का विकास, महिला सशक्तिकरण और आगामी राज्यसभा चुनाव शामिल है। सीएम सैनी ने पीएम मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का विकास अब बहुत तेज गति से होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अपनी इस सूची में पार्टी ने 22 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। राज्य की एनंडोल विधानसभा सीट से पार्टी ने सतीश अन्ना पाटिल पर भरोसा जताया है। वक्फ बोर्ड को लेकर तेजस्वी सूर्या की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार के मंत्रियों में से एक के रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा तेजस्वी सूर्या ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जैसा कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने व्यक्त किया है, चाहे वो खेती की जमीन हो या कुछ और। जो भी वक्फ ने हासिल किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी नेता तरुण चुंग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के बादशाह हैं। जनता उनसे 10 साल का हिसाब मांग रही है, वो इस पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे अब वो उन्हें भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले केजरीवाल कहते थे कि लाल बत्ती और बंगला नहीं चाहिए और अब वही लेने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। झारखंड चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नामांकन में सिल्ली पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में एनडीए की जीत तय है। इस मौके पर बरही से कांग्रेस के पूर्व नेता और विधायक उमाशंकर अकेला के 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने वाले बयान को उन्होंने सही बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी एक समय कांग्रेस में था। कांग्रेस में अगर एक स्टेट में 100 सीटें हैं तो 20 सीट बिकती हैं, ये उनकी पुरानी परंपरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामे में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। इस कड़ी में मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रतिक्रिया दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो अपना हलफनामा दिया है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छुपाया गया है। हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे।